मुझे सुमरो साहब ने आस्क मी फॉर द चीफ गेस्ट फॉर दिस सेरेमनी, सो आई एग्रीड बट आई वॉज इन इस्लामाबाद. आई हैव टू कम, मुझे कल आना था येस्टरडे, लेकिन आई कुड नॉट बिकॉज देर वॉज नो सीट. सो आई जस्ट रीच 10:30 इन द मॉर्निंग एंड देन आई आस्क हिम दैट आई एम कमिंग. सो यू आर सरप्राइज दैट हाउ कम. आई सेड आई हैव टू कम बिकॉज आई ऑलवेज लाइक एंड लव टू इंटरेक्ट विद माई टीचर्स. सो दिस इज दैट्स वाई आई एम हेयर. देखें, दो हमारे पार्टिसिपेंट ने स्पीच की. मैं सबसे पहले तो उनकी जो उन्होंने कॉन्फिडेंस से बात किया, रियली लाइक इट. और मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आज आपने अपना जो कोर्स था उसे कंप्लीट किया. मेरा एक ईमान है कि वी ऑलवेज लर्न. और जब आप ख़ास तौर पे टीचर हैं तो फिर तो क्या बात है. टीचर की तो लर्निंग हमेशा हर लम्हा होती है क्योंकि उसने आगे डिलीवर करना होता है. इसी तरह डॉक्टर भी ऐसे ही होता है. अगर वो अच्छा डॉक्टर बनेगा तो वो सारी उम्र पढ़ता ही रहता है. और सबसे ज़्यादा मुश्किल टीचर और एडवोकेट की होती है. एडवोकेट अगर रात शाम को जाके नहीं पढ़ेगा तो वो अच्छा एडवोकेट नहीं बन सकता. उसके टिप्स पे होना चाहिए कि वो उसके केस लॉस क्या हैं और उसे क्या एग्जांपल देके अपने क्लाइंट को कामयाब करना है. तो ये लर्निंग का प्रोसीजर तो मैं समझती हूँ कि आप योर पीपल आर लकी, यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी. हमारे बहुत से लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को वेल नहीं कर सकते. बट एज अ मिनिस्टर एजुकेशन मैं हमेशा इस अदारे के साथ हूँ बैक्ड. और वैसे भी व्हेन आई वाज नॉट अ मिनिस्टर एजुकेशन मैं हमेशा एजुकेशन की तरफ मेरी तवज्जो रही है. और मेरे फंड्स के बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं एजुकेशन ही में हमेशा लगे हैं, उसके बाद हेल्थ में. क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव रखती हूँ कि जब हमारे मज़हब हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, तो चीन तो उस वक्त इस्लामी मुल्क नहीं है, ना भी है. तो क्या मकसद था कि आप दुनियावी दीन के साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करें और दुनिया में एक कामयाब नेशन के तौर पर और एक उम्मत के तौर पे उभरें और अपने जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके तहत आप अपने लोगों को जो है आगे बढ़ाने में मदद दें. लर्निंग आप पैदा होने के साथ से कब्र तक करते हैं. वो इट्स नॉट ओनली द आप जस्ट यू आर इन द क्लासेस और वेयर एवर, बट आप जहाँ भी होते हैं. मैं तो यकीन करें मैं तो एक क्लर्क से भी सीखती हूँ. मैं बुलाती हूँ क्या अच्छा ये है तो बताएंगे क्या है. मैं एक तरखान से भी सीखती हूँ. हमारे घर में काम करने आता है तो मैं उससे पूछती हूँ अच्छा इस तरह करना है तो क्या है. मैं एक इलेक्ट्रिशियन से भी सीखती हूँ. और अब दिस इज़ द टाइम कि हमें इस तमाम चीज़ों के साथ स्किल्ड टीचर्स चाहिए. स्किल्ड यानी वो हर चीज़ से, जैसे एक इन्होंने कहा ना कि बड़ा अच्छी सजेशन थी इनकी कि हमें ट्रेनिंग नहीं है. वो मैं आपको फिर बाद में इस बारे में बताऊंगी जो हमारा बीएस के बारे में. तो ये क्या है जो आज आपको दिया जा रहा है, स्किल. स्किल किया जा रहा है आपको ताकि आप के पास इल्म भी होगा, आपके पास बेहतरीन चीज़ें होंगी. लेकिन हम एक दूसरे से सीख के, और फिर इतने अच्छे टीचर्स जो आपको दे रहे थे, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा है जो उन्होंने वीडियो दिखाई. एटलीस्ट आपके चीफ गेस्ट को या जिस भी गेस्ट को जो भी आता है आपके इसमें, तो उसको ये पता तो चलता है कि आपने पिछले कितने दिन किस तरह गुजारे और कौन कौन लोग आए और क्या क्या आपने सीखा. तो जो लोग मैं देख रही थी उसमें से बहुत से कुछ लोग तो बहुत ही बहुत बेहतरीन लोग थे जो उन्होंने आपको जो है लेक्चर्स दिए हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डायलेमा ये है कि हमने हमारी नेशन ने टीचिंग को कभी भी एक उस तरह का मकाम या टीचर को नहीं दिया है जिस तरह की पूरी दुनिया देती. हम लोग अब अगर किसी ने कुछ भी नहीं बनना होता वो कहता मैं टीचर बन जाऊँगा क्योंकि नौकरी है, कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे. चाहे मैं एफए भी कर लूँ तो मैं टीचर जाके बन जाऊँगा. और जो किस्म का हमारा सिस्टम है आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम्स पास किए जाते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं. मेरी अभी तवज्जो उस तरफ भी है, उधर भी हम सफाया करने जा रहे हैं चीज़ों का. बड़ा मैंने उस पर तवज्जो रखी हुई है और जल्दी इंशाल्लाह उसमें
जो हमारा बोर्ड और दूसरे एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको मैं सही करने जा रही हूँ, हमने स्टेप्स उठा लिए हैं। तो जब इस तरह के सिस्टम से जहाँ पर डिग्रियाँ बिकें, जहाँ पर चीटिंग हो, जहाँ पर हो, तो हम सोचें कि हम उस टीचर को, एक तो वो उसकी यानी कि सारे ही हैं, लेकिन उस टीचर को पहले तो वो कि उसको पढ़ाना आएगा कि नहीं आएगा। आपको पता है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टीचर की मेरिट का है। अब मैं जब आई हूँ, मुझे 4-4.5 महीने हुए हैं, 4 दिन में, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे स्कूल जो बंद हैं टीचर ना होने की वजह से। और जो टीचर्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो उस तरह से पढ़ा सकें, नॉट ऑल बट मैनी ऑफ दैम। तो ये चीज़ें ना देखिए बहुत बहुत अहमियत रखती हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। तो ये इश्यूज़ तो मुझे विरासत में मिले हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम रोड मैप पे आ गए हैं चीज़ें। तो बैक टू द इशू, बैक टू द सब्जेक्ट, कि टीचर जो है ना उसको सबसे पहले खुद ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मेरी कितनी अहम पोजिशन है और मैं आगे की जनरेशन को पढ़ाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको अपना जहन और विजन, आप लोग बहुत कीमती लोग हैं हमारे लिए, आप लोग हमारा एसेट हैं, एंड स्पेशली द यंग टीचर्स। मैं आप लोगों के चेहरे देख रही हूँ, शाइनी, मतलब ज़बरदस्त फ्रेश फेसेस, इंटेलिजेंट, वॉन्ट टू लर्न। तो ये चीज़ तो है, और आपको अनफॉर्चुनेटली उस तरह से मौके नहीं मिलते, लेकिन अब मिलने शुरू हो रहे हैं, तो आप उस इन ट्रेनिंग से फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी में एम कर लें कि ये बहुत यकीन करें, ये इस्लामी लिहाज से, बिकॉज वी आर मुस्लिम, कि जो भी जॉब है लेकिन ख़ास टीचिंग की, तो ये तो हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर लिहाज से, कि हम अगर क्लास में जाते हैं तो हम अपना कितना हक अदा करें, क्या हमने उसी तरह प्रिपरेशन की जैसे सुमरो साहब ने कहा, क्या हम टाइम पर जा रहे हैं, या हम ऐसे कैजुअल ले रहे हैं कि ठीक है क्लास है, जाना है, क्या करना है, बस जस्ट फॉर द पे। तो ये चीज़ें अपने जहन में आप प्लीज़ रखें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, नॉट एज अ मिनिस्टर बट एज अ सिस्टर, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, के अगर दुनिया अपने टीचर्स को इज्जत देती है तो उसमें बहुत सा किरदार टीचर्स का अपना करेक्टर है जो उसको देती है। आपने बहुत मिसालें सुनी होंगी कि जज आया, उसने उसका टीचर था, जज बैठा हुआ था, वो लेट हो गया, उसको जुर्माना होना था, उसने कहा आप कौन, उसने कहा मैं टीचर, एंड स्टूडेंट, और जो उसने उसके लिए, ये सच्चा वाक्य। तो कहने का मकसद ये कि उसका टीचर था, तो कहने का मकसद ये है कि द वर्ल्ड इज़ रेडी टू गिव यू द रिस्पेक्ट एंड दे आर गिविंग यू द रिस्पेक्ट, लेकिन आप ने अपने तौर पे भी इस तरह के मिसाली टीचर्स बनना है कि आप दुनिया जो है आपकी तरफ आए और आपको देखे। अब आप ये देखें कि मैं स्टूडेंट थी तो मैं मुझे अपने टीचर्स आज तक याद है, और जो उन्होंने पढ़ाया वो मुझे आज तक याद है, लेकिन आज मेरे अपने नेफ्यूज़ या नीस या जो भी आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप हमें टेंसेस बताएंगे, सिखाएंगे। दे आर स्टडिंग इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड दे डोंट नो द टेंसेस। तो फ़र्क क्या हो गया मेरिट का, जिस पैसे तो बहुत हम देते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन मेरिट काउंट्स कि आपके टीचर इस कैपेबल हैं कि नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप पे द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू सपोर्ट यू, देयर द गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग यू इन ऑल मीन्स, जितना भी हमारा एक हिस्सा है आपके लिए। मैं नहीं कहती कि सिचुएशन 100% वेरी गुड और मैं आपको एक अच्छे हो, लेकिन अपने तौर पे मुझसे आने वालों ने भी पहले और हमने भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको नई से नई चीज़ें की तरफ लाएँ, और ट्रेनिंग इज़ द मस्ट। मैंने आते ही सुमरो साहब को भी कहा, मैंने सेक्रेटरी साहब को भी कहा कि मुझे सेक्रेटरी, और हमने पैसा रखा है इसके लिए। ये वाहिद चीज़ है जो हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा कि मैंने ट्रेनिंग के लिए पैसा रखा है कि जी इनको दें। और ये जो आप बीएस की बात कर रहे हैं, इस पर भी हम पूरा PC1 बना के अभी इसको फौरी तौर पर करने जा रहे हैं। सोमरो साहब इस पर एक्सपेडाइट करें इस चीज़ को, क्योंकि इस शुड नॉट बी लेट, और वो चीज़ें ज़रा तेज़ी से हो जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी स्कीमें जो हैं PSDP से निकल जाएँ। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने इस सोच को अपना लिया, यू आर यूथ एंड इट्स नॉट
ओनली वर्ड्स, यू आर बैक वन ऑफ द कंट्री, आप लोगों ने हमारी जगह संभाली, आप लोगों ने सिस्टम को आगे बढ़ाना है। हम सोसाइटी के मेंबर के तौर पे कहीं भी कोई परेशानी हो तो फौरन उंगली तो उठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि किसी भी राय देने से पहले मैं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है उस हवाले से, किसी भी इशू के हवाले से, आपने क्या उस पर किया। हम सिर्फ राय देते हैं, मतलब देखिए हमारे पास इतना फालतू टाइम है कि एक सोशल मीडिया, एक तो हमें इस सोशल मीडिया ने बड़ा सिस्टम को अच्छाई भी बहुत अच्छी और पॉजिटिव, लेकिन एक सिस्टम में कि कंट्रीब्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं और उसमें हम बाती हैं, सिस्टम भी चलता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। आई गेव द 10 days और 10 days के बाद रिपोर्ट आ गया, दैट वॉज द शॉर्ट सर्किट। दो के नेगलिजेंस हुआ है, हमारे जो है वहाँ पर लोग थे कि वो लॉक्स थे और उसको खोला ही नहीं गया, वो चाबियाँ ही नहीं थी। मतलब हमने इस हादसे से सीखा कि कम अज़ कम चौकीदार के चाबियाँ दो, खोल के देख पहले अंदर आग लगी है कि क्या, वो तो बाहर किसी ने सुना बताया। तो मैं ये कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को हमें, जो हमें बड़ा एक कुशादा, जिन्हें कहते हैं ब्रॉड माइंडेड पर्सन, हमें उस तरह से होना है और हमें चीज़ों को बड़े एक वाइजली एड्रेस करना है। हम पहले ही बहुत ही मुश्किल में हैं एज अ नेशन एंड एज अ हमारे कंट्री, हमारे पे बहुत प्रेशर्स हैं। हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हम हर एक ये कहेगा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दें, बाकी खैर खैरियत है, जैसा मुल्क चलता है चले, ये नहीं हो सकता। दिस कंट्री इज़ आर कंट्री, हमारा मुल्क है, हमारा सूबा है, हमारी ज़मीन है, हम इसका खाते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारी है। हम दुनिया में जाते हैं अपने आप को कहते हैं पाकिस्तान, कुछ और कह सकते हैं आप लोग, चाहे जितनी भी आप ड्यूल पर्सनल वो सिटीजनशिप लें, क्या आप अपने आप को कह सकते हैं हमें अमेरिका के लिए कि हम अमेरिकन, जितनी भी लें हैं तो हम ओरिजिनली पाकिस्तान हैं। सो व्हेन, अगर आज हमने अपने आप को इस तरह एड्रेस कर लिया कि ये मुल्क हमारा है, ओनरशिप, ये नहीं कि मुल्क में कुछ नहीं है, बस भाग रहे हैं, कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, फलाना नहीं है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत तकलीफ देती। मैं समझती हूँ आप एज ए टीचर्स बेशक जाएं मुल्क से बाहर, जाएं इल्म हासिल करें, मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन कम बैक एंड सर्व योर कंट्री, एंड सर्व योर कंट्री मीन सर्व योर पेरेंट्स ऑल्सो, डोंट लीव देम अलोन। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर सोसाइटी, बट वी आर नॉट, एक्चुअली हमने वो चीज़ें छोड़ना शुरू कर दी। बलूचिस्तान में तो फिर भी थोड़े बहुत खैर खैरियत है, बाकी जगहों पर तो हमने छोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से अगर हम चीज़ों को एड्रेस करेंगे, टीचर्स के हवाले से मैं आपको कहूँ, आपको पता है जब मेरी छुट्टियाँ होती थी FSCBA में, मैं टीचिंग करती थी। आई लव टीचिंग, आई लव टू शेयर माई नॉलेज टू अदर्स। मैं मेरे स्टूडेंट में आई टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। मेरे टीचर्स, मेरे स्टूडेंट्स अभी भी कभी कभी मुझे मिलते, मुझे यकीन नहीं आता। दो आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग एट दैट, मैं FSC कर रही थी, FSC की 6 महीने की छुट्टियाँ धड़ाधड़ पढ़ाना शुरू कर दी, BA की छुट्टियाँ पढ़ाना शुरू कर दी। तो उस लर्निंग से मेरी लर्निंग हुई, उस लर्निंग से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे अपने लेसन प्रिपेयर करने पड़ते थे। मैं एक बात ज़रूर आपको कहूँगी, ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, द बेस्ट वे टू लर्न। आप अपने सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं कि कैसे सब्जेक्ट प्लान्स करने हैं, कैसे आपने अपना लेसन प्लान करना है, कैसे आपने पढ़ना है। BEd वी हैव MEd, लेकिन लैंग्वेज सेंटर से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी चीज़ों, आप बहुत ग्रूम होते हो, बहुत आपके अंदर और चीज़ें ऐड होती हैं, आप अपने आप को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ा सकते हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। बाकी जहाँ तक बात है हमारे सिस्टम ऑफ उसकी पैसों की, आपने बात की, गवर्नमेंट जो आपके पाकिस्तान की जो मईशत है आपके सामने डाउन साइजिंग हो रही है, फेडरल में कितने जो है डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए हैं, आपके सामने हम सुन रहे हैं। ये कोई खुशी से कोई गवर्नमेंट नहीं, दिस इज़ अ चैलेंज फॉर अस।
चाहे वो फेडरल में है, चाहे प्रस्थान में है, चाहे किसी भी सूबे में, उसकी वजूहात है। जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो हमें उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। साफ सीख दो जुमलों में मैं आपको बात करूँ, मिसाल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को कर्जे की ज़रूरत पड़ती हो, किसी से मांगने जाता है तो शर्तें वो लगाता है जो कर्ज़ा दे रहा होता है। अगर ज़ाती तौर पर भी दो लोग आपस में कर्जा ले रहे दे रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशन है। दिल तो चाहता है कि मैं अपने उस्ताद को इतना ज़्यादा उसकी सैलरी करूँ कि वो स्कूल से भी आने या कॉलेज यूनिवर्सिटी से आने के बाद 10 दफ़ा सोचे कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, इतना वो माशी तौर पे सुकून में हो। दिस इज़ माय विश कि मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग ज़हनी तौर पे पीसफुली नहीं होंगे आप उस तरह से वो नहीं करते। दिस इज़ फैक्ट एंड इस मैनी अदर्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इज़ नॉट सो मच फेवरेबल इन दिस इशू। सो मैं ये समझती हूँ कि हमने चीज़ों को एड्रेस करना है। मेरा रेनोवेशन जो है आपका, उसके लिए मैंने आते ही सबसे पहले कहा पहले तो इसको एड्रेस करें। ये क्या बात हुई, 25,000 किसी भी टीचर को कितनी इंसल्ट, वो 200 रिक्शे में आने जाने में वक्त में ख़त्म हो जाए, ख़ासतौर पर फीमेल के लिए। आदमी तो लड़के तो फिर भी मोटरसाइकिल पे बैठ के कहीं ना कहीं जाते। वी आर वर्किंग ऑन दिस, मैं इस पे काम कर रही हूँ। रेमुनरेशन पे जो भी काम कर रहा है उसकी एटलीस्ट तनख्वाह एक डिसेंट होनी चाहिए। एक तो मजदूर की तनख्वाह नहीं, उसकी जो 32,000 है कि 37,000, 37,000 भी नहीं है उसकी तनख्वाह। तो मैंने इस इशू को टेकअप कर लिया, हमने इस पे पूरी इनको दिया टाइम। कितने अरसा हो गया, नहीं आपने कितने अरसा हो गया कि आपकी बना अभी आपकी जो आपकी सर्च, एक हफ्ता पहले इन्होंने उधर सेक्रेटरी ऑफिस में जमा कराया। रियली मुझे जब ये पता चला, मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा सर ये बहुत बहुत पेनफुल है मेरे लिए, वो पढ़ा कैसे रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं है कि हम आपके प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, हम आपकी चीज़। तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स को किस तरह से किन अल्फाज के साथ, एक पर्सनैलिटी सबसे पहले काउंट होते। हमारी एक टीचर होती थी, हम खड़े होकर वेट करते थे कि वो आए और हम उन्हें देखें, क्या पर्सनैलिटी थी उनकी। और फिर उसी के साथ वो जिस तरह पढ़ाती थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आप अपने ड्रेस पर हमेशा तवज्जो दें, साफ सुथरे फ्रेश चेहरा, अपने घर की चीज़ें घर में छोड़ के क्लास में आ जाए, क्योंकि वो बच्चे मासूम जहन के वो आपको एडलाइज करते। और दूसरा, व्हेन यू स्पीक प्लीज़ स्पीक केयरफुली, क्योंकि चीज़ें कोट होती हैं आगे, लोग कोट करते हैं उसे। आप ये भी तो कह सकते थे कि मेरे बड़े भाई का दर्जा था, बाप के दर्जा था, इतनी ज़बरदस्त इंसान है कि मैं उसको अपने बाप के दर्जे के बराबर एहतराम देता हूँ। तो दीज आर द थिंग्स। और फर्स्ट के वेन एवर यू समवन कम, स्पेशली द वेमेन, प्लीज़, ये हमारे रसूल पाक उनके लिए खड़े थे, मुझे ये नहीं एज़ अ मिनिस्टर, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए खड़े थे। सो इट्स अ सेंस ऑफ दैट व्हेन यू कम टू इन टू दिस इन द क्लास, द स्टूडेंट के स्टूडेंट खड़े होते हैं। तो दिस वॉज नॉट व्हेन आई केम, इट वॉज नॉट लाइक दिस। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े मैसेज चले जाते हैं। और मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा कैरियर, आई हैव डन माय मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन, आई हैव डन माय एलएलएम फ्रॉम एसएम लॉ कॉलेज कराची, और आई हैव गॉट दिस एडमिशन इन पीएचडी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त हालात इस तरह थे मैं नहीं जा सकती थी यूनिवर्सिटी, वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है दरमियान में। तो मकसद कहने का था कि जब भी आप चीज़ों को एक ओपन माइंड से देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने हमेशा लॉ में ये देखा है कि जब आप चीज़ों को बहुत एक क्या कहना चाहिए, एक क्रिटिकल उसमें देखते हैं, तो आपकी बात का असर बहुत दूर तक जाता है। आप सुबह सुबह 8:30 बजे, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट,
8:15 बजे हम होते थे, 8:30 पे कोर्ट शुरू हो जाते थे। तो जो मेहनत और चीज़ों का असर बहुत पड़ता है आपके पर भी और जो आपके सामने वाले उनके ऊपर भी। विद दिस मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि वो उस्ताद बन जाए जो हमारे उस्ताद होते थे, और मुझे यकीन है कि ऐसे होंगे, ये नहीं है कि नहीं है सारे, लेकिन जिनके जहन में ये नहीं है ना वो भी ये जहन में रख लें, क्योंकि देखें ये अमानत होता है कि आप एक पैगाम अपना जो जो भी आपके ज़िम्मे है आप अगली जनरेशन को दे रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बाकी प्रोफेशंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को सिर्फ अपने जहन में रखें, एक स्मार्ट वे में आगे जाएं, चीज़ों को जो हमारी तो आजकल एआई का वो है, स्मार्टली आप चीज़ों को एड्रेस करें, ख़ुद से मेहनत करें। मैं तो अभी बेस्ट टीचर्स अवार्ड स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैंने कह दिया है कि मुझे बेस्ट टीचर्स के जो हैं वो नाम भेजें, जस्ट टू इनकरेज यू पीपल, आप लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों को उस तरह से नहीं एक वो मकाम मिला जो कि आप लोगों का राइट है, लेकिन जब से मैं आई हूँ आई एम देयर फॉर यू, माई डोर्स आर ओपन फॉर यू। आप लोगों का जो भी कोई जनरल मसला है, चीज़ें हैं, वो आप मेरे पास आ सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक बात और कहूँगी कि प्लीज़ ये ट्राई ना क्या करें कि एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू क्विटा, ये ना करें, बाकी लोगों को कौन पढ़ाएगा। इवन द पीपल हु बिलोंग्स टू दैट डिस्ट्रिक्ट दे डोंट कम, दे डोंट वॉन्ट टू सर्व देयर, व्हाई? स्कूल का तो यही हाल है, जब से मैं पहले 2 महीने बल्कि 3 महीने 90% माय टाइम वाज ऑन ट्रांसफर पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग एंड फिर भी लोग खुश थे। तो बहुत कहते हैं ना, मंजिलें बहुत बहुत हैं, जब तक हमने पहुंचना है सिर्फ सिंसेरिटी और अपने मुल्क से और अपने प्रोफेशन से लव की ज़रूरत है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सपोर्ट इज विद यू, आप लोगों को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करें, आपने जो सीखा है आके अपने कॉलेजेस में बाकी लोगों को सिखाएं, वॉलेंट्रियली सिखाएं। और मैं बल्कि सोमरे साहब कहूँगी कि इस सिलसिले को यहाँ रोकने के बजाय आप कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बताएं कि इनसे मदद लें और बाकी टीचर्स को वो ट्रेनिंग। थैंक यू जी।